ये फर्स्ट टैग हमने दिलवाया था एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा आईपीएस, ये उनको दिलवाया था। यू आर द सेकंड वन, इसकी कैपेबल मुझे लगा नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई जिसको मैं ये दिलवाऊं। ठीक है, यू मस्ट बी एन प्राइड फॉर दिस। इसको ऐसे, ये ऐसे, प्राइड ऑफ कठुआ एंड गढ़वाल एथलीट्स क्लब, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये आपके लिए। हार्दिक गंगुली टू कृतिका ठाकुर और प्रसिद्ध बलदेव सिंह और जुनगोट कठुआ, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग। आप भी आइए ना इधर, आप जी जी बताएं, अगर कृतिका घर पहुंचे हैं, बेटी ने नाम रोशन किया है जम्मू कश्मीर का, तो हिंदुस्तान में तो क्या देखते हैं, कितना जरूरी है ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना। जय हिंद दोस्तों, आज बरवाल एथलीट्स क्लब ने जंगलोट गांव में आकर कृतिका ठाकुर, प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्राइड ऑफ इंडिया, टॉपर है 12th क्लास में, 499 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। सीना चौड़ा होता है ऐसी बातों से, इन उपलब्धियों से हमें तो फील हुआ। हमें जैसे ही मीडिया के माध्यम से चीज़ का पता चला कि बेटी ने सेकंड रैंक हासिल किया है CBSE बोर्ड में ऑल ओवर इंडिया, और फर्स्ट रैंक हासिल किया है इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी में, तो प्राइड की बात ही रुक नहीं पाए। स्पोर्ट्स से संबंधित हैं हम लोग, ज़िला इंतज़ामिया के साथ चलते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, नशे के खिलाफ चलते हैं, और बच्चों को एक्नॉलेज करते हैं जो बच्चे अचीवमेंट्स करते हैं, क्योंकि दिल में एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के लिए एक अच्छी जगह है। उसी के चलते कृतिका ठाकुर ने नाम रोशन किया है पूरे जम्मू कश्मीर का। तो आज इस तिरंगे में बरवाल एथलीट्स क्लब लिखा हुआ, प्राइड ऑफ कठुआ का ये तिरंगा, और मुंह मीठा करवा के आज कृतिका को हम भी कहीं ना कहीं अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारा बच्चा, हमारी सिस्टर आने वाले समय में ऐसे मुकाम को हासिल करेगी जिसकी हमारे समाज को अपेक्षा है, जिसकी हमारे समाज को एक की आज की डेट में ज़रूरत है। तो मैं फिर से कृतिका ठाकुर के परिवार वालों को, स्पेशली इनके फादर मदर को दिल की गहराइयों से बधाई दूंगा कि आपकी बच्ची आने वाले समय में अपना जो समय है उसको बुलंद करेगी, अपने हौसलों को बुलंद करेगी, और हमारे कठुआ का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेगी, इतिहास लिखा जाएगा, और वो इतिहास जंगलोट गाँव से हमारी इस बच्ची के द्वारा ही लिखा जाएगा। क्या देखते हैं कि इंतजामिया के साथ आप लगे रहते हैं, इंतजामिया को भी पूरे जिला की, शहर की, प्रदेश की पल-पल की खबर होती है, लेकिन इस बच्ची के पास अभी तक ना इंतजामिया पहुंची, ना ही जहां से सिटिंग DDC जो कि नेता है, कहा जाता है कि नेताओं को बहुत फिक्र होता है महिला सम्मान का, महिला सशक्तिकरण का, तो क्या देखते हैं वो वादे और दावे किस प्रकार जहाँ पर सत्य हो रहे हैं। फिर ईशान जी, आप वो बातें बुलवाते हो मेरे से कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और है ना, तो वो वाले हाथी के दांत जो हैं उनको आप जहाँ तो निकाल दीजिए, या फिर उनको नया ब्रश करके लाइए दुनिया के सामने। नए पेस्ट की ज़रूरत है, नए रंग रोगन की ज़रूरत है। आज की ये दुनिया डिजिटल दुनिया है, लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं कि किसकी अचीवमेंट पे किसको क्या दिया जा रहा है। ये कोई पॉलिटाइज करने वाला मैटर नहीं है, ये एक बच्चे की अचीवमेंट है जिसको हमको एक्नॉलेज करना है। बींग अ इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी, बींग अ यंगेस्टर, बींग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आज 29th ऑफ अगस्त है, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो आज के दिन पे जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो मनाया गया है। अभी सारे मीडिया बंधु वहीं से आ रहे हैं, उसी की कड़ी में इस कड़ी को आज ऐड काउंट करते हुए कि आज हमारी बच्ची ने जो अचीवमेंट की है, इसकी कहीं ना कहीं जो सुध है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने लेनी चाहिए। ये उनका एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि जो बच्चे टॉप करते हैं, वो बहुत मेहनत से टॉप करते हैं, उनके माँ बाप की बहुत तपस्या होती है उसके पीछे, तो कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इन चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए। इससे हौसले बुलंद होते हैं, समाज एक अच्छी अच्छी साइड जाता है, एक अच्छी चैनलाइज पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है। क्या जी कहते हैं, SC ST समाज से या गुज्जर समुदाय से कोई बच्चा अगर 90 या 80% भी अंक लेता है, श्रीनगर से मंत्री जम्मू संभाग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग
जो खुद को एक बड़ा डोगरों का नेता कहते हैं, डोगरा कहते हैं, क्या उन्हें डोगरों के बच्चों की जो अचीवमेंट है वो क्यों नहीं दिखाई देती? क्या कहना चाहिए? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप ना मेरे से बुलवाएं, ना वो धागे उधवाएं मेरे से, है ना। वो धागे उधेड़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। करदा जोगी जोगड़ा तै बारला जोगी सिद्ध, ये डोगरी की कहावत है एक, है ना। करदा जोगी जोगड़ा तै बारला जोगी सिद्ध। किसी समाज की पर्टिकुलर बात नहीं करूँगा, बट कहने का मतलब कि अगर एक कैबिनेट मंत्री एक बच्चे को एक्नॉलेज करने के लिए क्लास के लिए, और वो भी महज उन नंबर्स पे जो कि एवरेज नंबर है, अच्छी बात है। एक पर्टिकुलर समाज से, एक अनडेवलप एरिया से आके उस बच्चे ने अगर अचीवमेंट करी है तो उसको एक्नॉलेज करें, हम उस चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। बट जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा पार्ट है, जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, आप उनको भी तो एक्नॉलेज करें। वो सौतेली माँ के बच्चे हैं क्या? वो भी हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से, ज़िला इंतजामिया से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी जितनी भी कृतिका ठाकुर को आपने आज तक भूल भुलैया में छोड़ा हुआ है, उनको एक्नॉलेज करें। आने वाले किसी भी समारोह में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का समारोह हो, इन बच्चों को उनमें, इन बच्चों का नाम उनमें शामिल किया जाए। ये कोई पॉलिटाइज करने वाला मामला नहीं है। इन बच्चों की एक्नॉलेजमेंट, इनकी हौसला अफजाई बेहद ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कृतिका ठाकुर को मेरी तरफ से, बरवाल एथलीट क्लब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इसके फ्यूचर के लिए, आगे कामयाब होने के लिए। आज रंजीत सिंह पठानिया सर ने बरवाल एथलीट क्लब से मुझे सम्मानित किया है। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।